कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके आपराधिक नेटवर्क को तो हर कोई जानता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की, जो लॉरेंस के पूरे नेटवर्क का बड़ा चेहरा बन चुका है। उसका नाम कई क्रिमिनल केसों में सामने आया है, लेकिन उसको पकड़ना भारत की एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती था। अब बड़ी खबर अमेरिका से आई है कि कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर ने भारत की खुफिया एजेंसियों को भी एक्टिव कर दिया है, उसे भारत लाने की बात हो रही है। आइए इस वीडियो में एक नज़र डालते हैं लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली पर। अनमोल बिश्नोई पर भारत में कुल 18 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अनमोल राजस्थान की जोधपुर जेल में भी सजा काट चुका है। अक्टूबर 2021 में वो जोधपुर जेल से जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। अनमोल अपने बड़े भाई लॉरेंस की ही तरह जुर्म की दुनिया में एक्टिव है। बताया जाता है कि वो अमेरिका और कनाडा से अपना गैंग चला रहा है। सलमान खान के घर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में भी अनमोल का नाम आया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल को वांटेड घोषित कर दिया, साथ ही अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA ने कुछ दिन पहले ही 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। सोचिए वो कितना बड़ा अपराधी है। सबसे पहले NIA ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दायर की। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ी हिंसा और जबरन वसूली को भी लीड करने का आरोप अनमोल पर लगता रहा है। अब आखिरकार अनमोल को हिरासत में लिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका उसे भारत को सौंप सकता है। मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी की मांग भी करने लगी है। अनमोल अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। वो अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका उसे कब और कैसे भारत को सौंपेगा।